गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट डिस्कस किए थे, जिसमें हमने फाइव लॉज स्टडी किए थे। आज हम यूज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू एक्सप्रेस स्मॉल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म डिस्कस करेंगे। मींस एक्सपोनेंट का यूज करके हम स्मॉल नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब बात आती है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। आपके पास लार्ज नंबर गिवन हो या वेरी वेरी स्मॉल नंबर गिवन हो, उस लार्ज नंबर और स्मॉल नंबर को इस फॉर्म में लिखना कि उसे आसानी से पढ़ा जा सके, तो उस फॉर्म को क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म आपने पहले भी डिस्कस की हुई है। जैसे मान लो आपके पास कोई नंबर है 2000000, अगर हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसकी जीरोस काउंट करते हैं। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7, मीन्स 2 के बाद 7 जीरोज हैं, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 2 × 1 0 0 0 0 0 0, मीन्स जितनी जीरो थी 1 के साथ वो जीरोज लिख के उसे जो नंबर था हमारे पास 2 उससे मल्टीप्लाई कर दिया। मीन्स हमें इस फॉर्म को, इस नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमने यूज करना है एक्सपोनेंट का, तो यहाँ पे जीरोस काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो हम इस नंबर को कैसे लिख सकते हैं? 2 × 10⁻⁷। मीन्स जितनी जीरोस थी 10⁻⁵ क्या बनेगी? जितनी जीरोस थी उनको काउंट करके वही जीरोस क्या बनेगी? इसकी पावर। काउंटिंग में जितनी जीरोस थी 7 जीरोस थी, तो हमने 10⁻⁷ लिख दिया। ये चीज हमने पहले भी की हुई है, लेकिन आज हम बात करेंगे अगर हमारे पास कोई स्मॉलेस्ट नंबर गिवन हो, वेरी 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 स्मॉलेस्ट नंबर गिवन हो। जैसे आपके पास नंबर गिवन है 0.00000003, मीन्स ये बहुत ही छोटा नंबर है। मीन्स 6 जीरोस, डेसिमल के बाद 6 जीरोस हैं, उसके बाद आपको नंबर गिवन है 3। अब इस नंबर को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसका डेसिमल कन्वर्ट करेंगे, मीन्स डेसिमल को हटाएंगे। अगर हम डेसिमल को हटाएंगे तो डेसिमल क्या होगा? नीचे आ जाएगा। अब डेसिमल के बाद काउंट करो डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, डेसिमल के बाद 7 डिजिट्स थे, तो डेसिमल हटा दिया तो यहां पे क्या आएगा? 1 और उसके बाद 7 जीरोस। अब इसे कैसे लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं 3 upon 1 2 3 4 5 6 7, जीरोस थी, यहां पर भी काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, मीन्स ऊपर की एक्स्ट्रा जीरोस जो आगे वाली जीरोस थी वो हमने इरेज कर दी, नंबर बचा हमारे पास 3 upon 1 और 7 जीरोस। अब 7 जीरोस को कैसे लिख सकते हैं? 3 upon 10⁻⁷। अब ये अपॉन में है, तो जब ऊपर लेके जाएंगे तो एक्स पावर क्या आएंगी? माइनस में, तो इसे कैसे लिख सकते हैं? 3 × 10⁻⁷। मीन्स जो पावर थी ये अपॉन में था, अपॉन में है, तो जब हम इसे ऊपर लेके जाएंगे तो पावर क्या होगी? माइनस में, तो हमने क्या लिखा इसे? 3 × 10⁻⁷।
मीन्स जो हमारे पास ये गिवन नंबर था 0.00000003, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? 3 × 10⁻¹7। कुछ एग्जांपल्स और करते हैं। एग्जांपल है जैसे राइट द गिवन नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। नंबर आपके पास क्या गिवन है? 0.00000564। अब आपने इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम डेसिमल रिमूव करते हैं, या फिर हम इसे एक तरीका और भी है, आप डेसिमल को प्लेस करो राइट हैंड साइड में। मींस डेसिमल के बाद नंबर डिजिट्स काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मींस टोटल डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? 7। लेकिन जो फर्स्ट नंबर जीरोस के बाद जो नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर क्या है यहाँ? 5। तो यहाँ से डेसिमल को प्लेस करके हम 5 के आगे लगाएं, मींस डेसिमल को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करें, तो पावर क्या आएंगे? हमेशा नेगेटिव। अब डेसिमल को अगर हम यहाँ से 5 के बाद प्लेस करें तो कितने डिजिट्स आएंगे बीच में? 1, 2, 3, 4 एंड 5। मीन्स अगर डेसिमल को यहां से यहां पे प्लेस करें तो 5 डिजिट्स आते हैं। तो हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लिख सकते हैं? 5.64। ये तो एज इट इज, मीन्स डेसिमल को हमने यहां से यहां शिफ्ट किया। अब डिजिट्स काउंट करो कि कितने डिजिट्स आए हैं। 1, 2, 3, 4, 5। तो 10⁻¹⁵। तो मीन्स 0.00000564 की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? 5.64 × 10⁻¹⁵। तो इस तरीके से भी हम स्मॉलेस्ट नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक एग्जांपल और करते हैं। राइट द गिवन नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आपको एक लार्जर नंबर गिवन है 3, 4, 5, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0। मीन्स अब आपको इस लार्जर नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इस नंबर को जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे? 3. अब डेसिमल कहाँ लगाया हमने? 3 के बाद। तो उसके बाद 4, 5, 2 था, वो एज इट इज लिखा 3.452। अब हम इसके डिजिट्स काउंट करेंगे। हमने डेसिमल लगाया यहाँ पे, यहाँ के बाद डिजिट्स काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आए? 9। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3.452 × 10⁻¹⁹. ओके, एक एग्जांपल और करते हैं। The diameter of Jupiter is 1.42984 × 10⁻¹⁸ meter and the diameter of Pluto is 2.32 × 10⁻¹⁶ meter. Find the difference between their diameters. आपको Jupiter के diameter given है and Pluto का diameter given है। आपने डिफरेंस निकालना है कि दोनों डायमीटर्स के बीच में कितना डिफरेंस है। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है हम वो लिखेंगे। डायमीटर ऑफ जुपिटर गिवन है, वो लिखा। फिर हमें गिवन है डायमीटर ऑफ प्लूटो, वो लिखा। अब हमने क्या निकालना है? डिफरेंस। डिफरेंस निकालना है तो जुपिटर के डायमीटर में से प्लूटो का डायमीटर माइनस, तो जुपिटर का डायमीटर लिखा 1.42984 × 10⁻¹⁸ − 2.32 × 10⁻¹⁶। अब हम 10⁻¹⁸ को क्या लिख सकते हैं? 10⁻²× 10⁻¹⁶। मीन्स हमने इस 10⁻¹⁸ को कन्वर्ट कर दिया 10⁻²× 10⁻¹⁶। अगर आप इसको देखें, बेस सेम है तो पावर क्या होंगी? 8। तो 6 और 2 8। तो मीन्स इस चीज को 10⁻¹⁸ को हम क्या लिख सकते हैं? 10⁻²× 10⁻¹⁶। अब इस 10⁻², की हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल क्या होगा? शिफ्ट हो जाएगा राइट में। अब राइट में डेसिमल शिफ्ट होगा तो उसको क्या लिख सकते हैं? 142.984 मल्टीप्लाई 10⁻¹⁶।
सिक्स माइनस 2.32 एज इट इज मल्टीप्लाई 10^6। अब 10^6 दोनों में कॉमन है तो इसे बाहर लिख लेते हैं और जो अंदर बचा वो क्या आएगा ब्रैकेट में 142.984 माइनस 2.32 मल्टीप्लाई 10^6। हमने 10^6 को कॉमन ले लिया, जो अंदर बचा था 142.984 माइनस 2.32 उसको एक साथ लिख लिया। अब हम 142.984 में से 2.32 माइनस करें तो हमारे पास आएगा 140.664 और बाहर क्या था 10^6 मीटर। हम यहाँ तक भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर हम इसे और स्टैंडर्ड फॉर्म में मीन्स इसे और थोड़ा कवर अप करें तो इस डेसिमल को हम यहाँ शिफ्ट करें तो ये बन जाएगा 1.40664 मल्टीप्लाई 10^8 मीटर। सो दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इसी से ही रिलेटेड जो भी टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं उसी से ही रिलेटेड आपके प्रैक्टिस जोन्स में क्वेश्चंस हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। I'll be coming back again with new chapter. Till then, take care.